हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन गुड आफ्टरनून। सो इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द कैंपेनिंग फॉर द वुमेन्स राइट। सो वुमेन्स को राइट दिलाने के लिए उन्हें क्या क्या कैंपेन्स करने पड़े, क्या क्या मूवमेंट्स करने पड़े। कैंपेन्स टू फाइट डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द वुमेन्स मूवमेंट। कैंपेन्स हैव ऑल्सो लेड टू न्यू लॉज बींग पास्ड। अ न्यू लॉ वॉज पास्ड इन 2006 टू गिव वुमेन हु फेस फिजिकल एंड मेंटल वायलेंस विद इन दियर होम्स ऑल्सो कॉल्ड डोमेस्टिक वायलेंस सम लीगल प्रोटेक्शन। इट मीन्स व्हिच आर द राइट्स गिवन टू द वुमेन एंड दे हैव टू lead the various campaigns. So one of the campaigns against the domestic violence, it is given here in the very good. So a law was passed in 2006 against the फिजिकल एंड मेंटल हरेसमेंट और वायलेंस ऑफ द वोमेन एट दियर होम। इट मीन्स 2006 में एक ऐसा लॉ पास हुआ था जो वोमेन है उन्हें फिजिकल और मेंटल जो उनका वायलेंस होता है, उनको एक्सप्लॉयटेशन होता है, उसके हरेसमेंट होता है, उसका अगेंस्ट क्या होता है, ये एक लॉ पास हुआ था। इसे कहा गया डोमेस्टिक वायलेंस लॉ। इट वाज अ लीगल प्रोटेक्शन फॉर द वुमेन है। इस टाइप के कैंपेन चलते रहते हैं। सिमिलरली एफर्ट्स मेड बाय द वुमेन्स मूवमेंट लेड द सुप्रीम कोर्ट टू फॉर्मुलेट गाइडलाइंस इन 1997 टू प्रोटेक्ट वुमेन अगेंस्ट द सेक्सुअल हरेसमेंट एट द वर्क प्लेस एंड विद इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। इट मीन्स ये फॉर एनी लेडीज, if any girls, if any woman watch is harassing where inside their education institute, inside their working institute, there will be one more law known as the sexual harassment law। उस लॉ का नाम क्या है, सेक्सुअल हरेसमेंट लॉ। एक कब पास हुआ था, 1997 पास हुआ था। कब हुआ था, 1997 में। पूछा जाएगा कि सेक्सुअल हरेसमेंट लॉ कब पास हुआ था करके, ये सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है इसको। अच्छा, इन 1980s फॉर एग्जांपल वुमेन्स ग्राउंड ग्रुप्स अक्रॉस कंट्री स्पोक आउट अगेंस्ट डोरी डेथ। अब 1980s के आसपास क्या है, ये डोरी डेथ के बारे में कहा गया। डोरी डेथ मीन्स जब क्या होती है, जो ब्राइड्स होती हैं, जो महिलाएँ होती हैं, वो क्या हो जाती हैं, लगभग दहेज के कारण उनकी हत्या कर दी जाती है। इसे डोरी डेथ कहा गया है। तो इस टाइप के हमें क्या मिले थे, 1980s में इसके खिलाफ भी आवाज़ उठी थी। वुमेन्स ग्रुप स्पोक आउट अगेंस्ट द फेलियर टू ब्रिंग दीज केसेस टू जस्टिस। दे डिड सो बाय कमिंग ऑन द स्ट्रीट्स, अप्रोचिंग द कोर्ट्स एंड बाय शेयरिंग इंफॉर्मेशन। इवेंचुअली दिस बिकेम अ पब्लिक इशू इन टू द न्यूज़पेपर्स एंड सोसाइटी एंड डाउरी लॉज वर चेंज्ड टू पनिश फैमिलीज हूँ सीक डाउरी। इट मीन्स जो डाउरी सिस्टम है, अगेंस्ट द डाउरी सिस्टम से द मैनी ग्रुप ऑफ द वुमेन्स केम इन टू द स्ट्रीट्स, केम इन टू द रोड्स एंड दे स्ट्राइक अगेंस्ट द डोरी। स्टाफ उन्हें क्या करना पड़ा, कोर्ट की भी शरण में जाना पड़ा, और स्टाफ से जो कोर्ट से फिर लॉ बना, तो डोरी सिस्टम के अगेंस्ट लॉ बना है कि नाउ डेज। अब आजकल क्या है, जो दहेज है, शादी में दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही क्या है, ऑफेंसिबल है, एक टाइप का अपराध टाइप का है, पनिशमेंट टाइप का है। कोई अपने मन से दे रहा है तो ठीक है, अगर कोई कंपल्सन उसमें कर रहा है तो उसके लिए क्या कहा गया है, इट विल बी द लीगल प्रोटेक्शन फॉर द वुमेन है। महिलाओं को उससे क्या मिलेगा, महिलाओं से अगेंस्ट जा सकती हैं कोर्ट में, कोर्ट उन्हें क्या करेगा, उनकी बातों पर सुनवाई करेगा। अच्छा, अब यहाँ पर दिया है तो ये क्या है, सत्यारानी एन एक्टिव मेंबर ऑफ द वुमेन्स मूवमेंट सिटिंग ऑन द स्टेप्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सराउंडेड बाय लीगल फाइल्स गैदर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ए लॉन्ग लीगल बैटल टू सीक
जस्ट इज फॉर हर डॉटर हु वॉज मर्डर्ड फॉर ड्योरी। एक क्या है, सत्या रानी है, ये एक एक्टिव मेंबर है वुमेंस मूवमेंट की। तो ये सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियों पर बैठी हुई ही कहता है, जहाँ उनके पास क्या है, बहुत सारी फाइल्स हैं, आप देख सकते हैं, दीज आर द फाइल्स ऑल अराउंड देम। और वो उनकी जो एक लड़की थी, क्या हो गई थी, उसकी डेथ हो गई थी, काहे से, ड्योरी, दहेज लेने के कारण। तो अभी उनने यहाँ पर इनकी फ़ोटो भी लगाई है, वो क्या कर रही है, इसके अगेंस्ट उन्होंने केस लड़ा होगा और अपना उसका वेट कर रही है अपनी बारी का सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, सुप्रीम कोर्ट नाउ डेज इन द दिल्ली। इंडिया का सुप्रीम कोर्ट क्या है, सिंगल इंडिया हैज ओनली वन सुप्रीम कोर्ट, ये हो गया है। और उसके बाद फिर कहता है कि रेजिंग अवेयरनेस, रेजिंग अवेयरनेस मीन्स अवेयरनेस अमंग द वुमेन। अब महिलाओं को क्या हो गया, अपने जो उनको राइट्स से सुप्रीम कोर्ट ने बना दिया, लेकिन उनका उन्हें पता भी होना चाहिए। अब कैसे होगा, उन्हीं में से कुछ महिला ग्रुप्स ने क्या किया, वुमेन ग्रुप्स ने उनकी उन्हें अपने ही महिलाओं को थोड़ा क्या करना शुरू कर दिया, अवेयर करना शुरू कर दिया था कि हमें क्या क्या राइट्स मिले हैं करके। एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द वुमेंस मूवमेंट वर्क इज टू रेज पब्लिक अवेयरनेस ऑन वुमेंस राइट इशूज, देयर मैसेज हैज़ बीन स्प्रेड थ्रू स्ट्रीट प्लेज, सॉन्ग्स एंड पब्लिक मीटिंग्स है। तो उन्हें मैसेज कैसे देना शुरू कर दिया, यह आपको लिखना पड़ेगा, रेजिंग अवेयरनेस में कैसे कैसे देना शुरू कर दिया, देयर मैसेज, हाउ देयर मैसेज आर गोइंग ऑन, देयर मैसेज आर गोइंग ऑन द पब्लिक, इन द पब्लिक मीटिंग्स, बाय द पब्लिक मीटिंग्स, बाय पब्लिक सॉन्ग्स, स्ट्रीट प्लेज, नुक्कड़ नाटक जो हम कहते हैं उनके द्वारा। देन प्रोटेस्टिंग, प्रोटेस्टिंग मीन्स देयर, उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए, फॉर देयर सिक्योरिटी पर्पज, द वुमेन मूवमेंट रेज इट्स वॉइस व्हेन वायलेशंस अगेंस्ट वुमेन टेक प्लेस, और फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ लॉ और पॉलिसी एक्ट्स अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट, पब्लिक रैलीज एंड डेमोन्स्ट्रेशंस आर अ वेरी पावरफुल वे टू ड्रॉइंग अटेंशन टू इनजस्टिस। इट मीन्स जो महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे थे उनकी ओर अपने ध्यान दिलाने के लिए, तो इन लोग महिलाओं को क्या करना पड़ा, बहुत सारे टाइप के प्रोटेस्ट, पब्लिक रैली टाइप के निकालनी पड़ी, डेमोन्स्ट्रेशन करने पड़े, आंदोलन जिनको कह सकते हैं हम, ये भी हमें लिखना पड़ेगा, पब्लिक रैली एंड डेमोन्स्ट्रेशन लिखने पड़ेंगे हैं, वेरी पावरफुल टू वे टू ड्राइंग अटेंशन टू द इनजस्टिस। अच्छा, नेक्स्ट इज द सोइंग सॉलिडरिटी। सोइंग सॉलिडरिटी में क्या करेंगे, द वुमेंस मूवमेंट इज ऑल्सो अबाउट सोइंग सॉलिडरिटी विद अदर वुमेंस एंड कॉजेज। इन्हें क्या देखा, उनके खिलाफ क्या करना है, मजबूत होना है, इनके अगेंस्ट उन्हें अपना एक मूवमेंट दिखाना है, एजिटेशन शो करना है। अब यहाँ पर क्या दिखाया गया, देखो, ऑन 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेंस डे, वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड केम टुगेदर टू सेलिब्रेट एंड रिन्यू दियर स्ट्रगल्स। तो महिलाओं को क्या, ऑन 8 मार्च को क्या होता है, एवरी ईयर 8 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल वुमेंस डे। ओके, ये नीचे चित्र दिखा रखा है, इसमें वो क्या करते हैं, महिलाएं अपने राइट्स के प्रति अवेयर होती हैं। अब ये ऊपर क्या दिखाया गया है, वुमेन आर होल्डिंग अप कैंडल्स टू डेमोन्स्ट्रेट द सॉलिडरिटी बिटवीन द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। एवरी ईयर ऑन 14 अगस्त सेवरल थाउजेंड्स ऑफ पीपल गैदर एट बाघा ऑन द बॉर्डर ऑफ द इंडिया एंड पाकिस्तान एंड होल्ड कल्चरल प्रोग्राम। तो क्या कर रहा है, यहाँ पर महिलाओं का ही दिखाया गया है, कैंडल मार्च करते हुए या कैंडल जलाते हुए, काहे के लिए, ये उनके अपनी सॉलिडरिटी को शो करने के लिए, सॉलिडरिटी को शो करने के लिए। इस टाइप से क्या हो गया, आई थिंक टाइप से वी हैव एंड द चैप्टर। और इससे वाला इसमें क्या होंगे, हमारे पास और भी हमें क्या मिल सकते हैं इस रिलेटेड, हमारे कुछ मुझे लगता है कहीं के हमारे पे ग्लोसरी होगी, ग्लोसरी में देख रहे हैं कि स्टीरियोटाइप्स, डिस्क्रिमिनेशन, वायलेशन, सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये सब हमने लगभग क्या कर रखे हैं, आपके साथ डिस्कस कर रखे हैं। स्टीरियोटाइप्स में हमने कहा था कि द डिफरेंस डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मैन एंड वुमेन, जब हम क्या करते हैं इसको हम शो करते हैं, इसे हम क्या कह देते हैं, स्टीरियोटाइप्स कह देते हैं। यहाँ पर लिखा है ना, When we believe that people belonging to a particular group based on religious, wealth, language are bound to have certain fixed characteristics or can only do a certain types of work, we create a stereotype. For example, we saw how boys and girls are made to take certain subjects not because he or she has an aptitude for it, but because they are either boys or girls. स्टीरियोटाइप्स प्रिवेंट अस फ्रॉम लुकिंग एट पीपल्स एज यूनिक इंडिविजुअल्स। अब स्टीरियोटाइप्स क्या है, हमें आप जब फंडामेंटल से जब लिखेंगे तो इसमें आपको आपने को टू लाइन्स की और लिखनी है, इस पर आप क्या करेंगे, दिस इज द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द मेल एंड फीमेल्स,
आप इसमें और क्या कर सकते हैं। और आप ओके स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फंडामेंटल्स फॉर ग्रोसरी। एज यू आर डिस्कसिंग अबाउट द स्टीरियोटाइप्स, दिस इज द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मैन एंड ए वुमेन। एंड अदर साइड यू कैन से दिस इज द व्हेन वी बिलीव दैट पीपल बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर ग्रुप्स बेस्ड ऑन द रिलीजन, वेल्थ, लैंग्वेज एंड अदर कल्चरल डाइवर्सिटीज नॉन आई द स्टीरियोटाइप्स। डिस्क्रिमिनेशन व्हेन यू डू नॉट ट्रीट पीपल इक्वली और विद रिस्पेक्ट, वी आर इंडल्जेंट एंड इन डिस्क्रिमिनेशन। व्हेन पीपल डू नॉट ट्रीट इक्वली विद द अदर जेंडर, यू कैन से विद द अदर रिलीजन, दिस नॉन आई द डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा, एंड दे ट्रीटेड अदर द डिफरेंटली, दिस इज नोन एज द डिस्क्रिमिनेशन। वायलेशन, व्हेन समवन फोर्सफुली ब्रेक्स द लॉ और अ रूल, व्हेन एनीबडी ब्रेक द रूल एंड रेगुलेशंस एंड एक्सप्लोइटेड द राइट्स ऑफ द अदर्स, नोन एज द वायलेशन। जब कोई किसी के जो राइट्स का हनन करता है, राइट्स में इंटरफेयर करता है, तो उसे परेशान करता है, टीच करता है, तो उनसे क्या करते हैं, वॉल्यूशन कर देते हैं। नेक्स्ट इज द सेक्सुअल हरेसमेंट। सेक्सुअल हरेसमेंट इट रेफर टू फिजिकल और वर्बल बिहेवियर। सेक्सुअल हरेसमेंट रेफर टू द फिजिकल और वर्बल बिहेवियर दैट इज ऑफ ए सेक्सुअल नेचर एंड अगेंस्ट द विशेज ऑफ अ वुमन। So you can say in the sexual harassment, when anybody treated with woman against her desire and in physical and verbal behavior, this is known as the sexual harassment. Other fundamentals you can write from the help of the chapter. Now we are going to discuss about the exercise. So the question number one is that how do you think stereotypes about what women can or cannot do affect women's right to equality? तो महिलाएं, हमें क्या लगता है कि महिलाओं को कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, इससे उनकी लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये क्या करता है, दिस इज द क्वेश्चन है। अब इसमें हम कह सकते हैं कि जो महिलाएं हैं दे आर द बेटर नर्स देन द आर्मी ऑफिसर, तो कह सकते हैं द वुमेन कैन बिकम द बेटर नर्स देन द आर्मी ऑफिसर, और सेंटेंस है। अच्छा, तो वो क्या होती हैं, पेशेंट होती हैं, पेशेंस होती और उनमें जेंटलनेस होती है, और तो जो वुमेन है दे कैन नॉट बिकम द साइंटिस्ट इन बेटर देन द नर्सेज बिकॉज इट रिक्वायर्स द टेक्निकल माइंड। साइंटिस्ट बनने के लिए हमें क्या चाहिए, टेक्निकल माइंड चाहिए। नर्स बनने के लिए क्या चाहिए, इमोशनल माइंड चाहिए। तो महिलाओं के पास इमोशनल माइंड होते हैं। अच्छा, बट देयर आर वुमेन हु हैव प्रूव्ड द स्टीरियोटाइप्स रॉन्ग। कुछ जैसे हम क्या कहते हैं कि कुछ महिलाएं पुलिस में नहीं जा सकते हैं, लेकिन कुछ महिलाओं ने क्या कर दिया, इस सबको रॉन्ग प्रूफ कर दिया है। आई लाइक द किरण बेदी, सी बिकेम द फर्स्ट IPS। किरण बेदी द फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर हु हैड सेट अ चेन ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ सक्सेशन इन पुलिस सर्विसेज। और उसके बाद हम बात करते हैं कल्पना चावला, द फर्स्ट वुमेन ऑफ द इंडियन ओरिजिन वेंट इन टू द स्पेस आफ्टर गेटिंग सक्सेस इन स्टडिंग एस्ट्रोफिजिक्स। तो क्या हो गया, कल्पना चावला क्या बनी थी, हमारी साइंटिस्ट बनी थी। जैसे हम क्या कह रहे हैं, वुमेन कैन नॉट ज्वाइन द पुलिस, वुमेन कैन नॉट ज्वाइन द आर्मी, वुमेन कैन नॉट बिकम द साइंटिस्ट है। यहाँ पर हम क्या करें, वो केवल नर्स ही बन सकते हैं, केवल टीचर ही बन सकते हैं, बट दे कैन बिकम एवरीथिंग हु है द फॉर्म डिटर्मिनेशन। उनके पास क्या होता है, अपना डिटर्मिनेशन होता है, बन सकती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू, लिस्ट वन रीजन हु व्हाई लर्निंग द अल्फाबेट वॉज सो इम्पोर्टेंट टू वुमेन लाइक राज सुंदरी देवी, रमाबाई एंड रोकिया। तो महिलाओं के लिए पढ़ना उतना ही जरूरी क्यों है जितना इन सब के लिए था, क्या नाम दिए वहाँ पर,
देयर इज द राज सुंदरी देवी, रामाबाई एंड रोकेत शिकावत हुसैन। तो क्या कहता है कि इसके लिए कहा गया है कि द कम्युनिकेशन व्हिच सन्स वर टॉट टू रीड एंड राइट, डॉटर्स आर वर नॉट अलाउड टू लर्न इवन द अल्फाबेट्स। तो आप क्या हो गया है, ये इम्पोर्टेंट क्यों है सभी के लिए पढ़ना? पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है, अगर हम क्या करना है, अगर हमें किस चीज़ के बारे में अवेयरनेस चाहिए, इफ़ यू वांट टू अबाउट एनी इंफॉर्मेशन बिलोंग टू द राइट्स ऑफ द वुमेन, देन वी हैव टू डू लिटरेट। हमें भी उसके लिए लिटरेट होना होगा, तभी हम उसको पढ़ पाएंगे, तो पता चलेगा क्या क्या इन्फॉर्मेशन है करके। नाउ इट इज सेवरल इन्फॉर्मेशन सेवरल न्यूज इन द न्यूज़पेपर से, ऐसी कुछ जानकारियाँ होती हैं और उसे हम अगर पढ़ना ही नहीं आएगा तो हम उसे कहाँ से पढ़ पाएंगे हैं। दूसरा यह है कि इफ़ यू वांट टू टीच आवर चिल्ड्रन, अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तब भी हमें क्या करना पड़ेगा, तब भी हमें क्या होना चाहिए, लिटरेट होना चाहिए, हमें पढ़ा लिखा होना चाहिए, तब तो हम अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे। अगर हमने किससे कम्युनिकेशन करना है तो वहाँ भी हमें क्या करना है, इन मैटर ऑफ द कम्युनिकेशन इन अदर लैंग्वेज एक्सेप्ट अदर देन द आवर नेटिव लैंग्वेज, हमारे जो मदर टंग है उससे अलग अगर किसी भाषा में बात करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें लगभग पढ़ा लिखा होना चाहिए, तभी हम उस भाषा को आसानी से सीख सकते हैं। अच्छा, और अगर हमें क्या करना है, आपने कुछ किसी को कुछ बातें बतानी है, कुछ बताना चाह रहे हैं, इफ़ यू वॉन्ट टू अवेयर देन अवेयर द अदर्स अबाउट द राइट्स ऑफ द वुमेन, देन वी हैव ऑल्सो टू बिकम द लिटरेट। इसलिए भी हमें क्या है, पढ़ा लिखा होना जरूरी है। सो क्वेश्चन नंबर 3, पुअर गर्ल्स ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग एन एजुकेशन। री रीड द लास्ट पैराग्राफ ऑन पेज नंबर 62 एंड एक्सप्लेन व्हाई दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। व्हाट इज द क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज पुअर गर्ल्स ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग एन एजुकेशन। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा होगा करके, हाँ, दिस इज नॉट ट्रू, ये कोई सेंटेंस ट्रू नहीं है। वो क्यों स्कूल नहीं जा सकती थी, उसके बारे में आपको लिखना है पेज नंबर 62 के अकॉर्डिंग। वी हैव डिस्कस्ड दियर दे आर नॉट गोइंग स्कूल बिकॉज दियर पेरेंट्स आर सो पुअर। दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल बिकॉज दियर स्कूल्स आर फार अवे फ्रॉम दियर रेजिडेंस। दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल बिकॉज दे कैन नॉट पे द स्कूल बस फेयर रेंट ऑफ द स्कूल बस यू कैन से। नेक्स्ट, दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल बिकॉज दे ट्रीट बाई देयर क्लासमेट्स एंड द टीचर्स whether they are belong to Dalits or the poor caste, and they are not going to the schools because their parents are illiterate also. Unke pata hi jaan, their parents don't know the importance of the education. They are not getting the education because their parents take them with him for helping them. अपने उनके पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चे क्या करें, हमारी हेल्प करें करके। दिस इज द आंसर। ओके, तो आपका आंसर क्या होगा इसमें, नो में होगा, इस सब पॉइंट आप लिखेंगे उसमें। सो क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब टू मेथड्स ऑफ स्ट्रगल दैट द वुमेन्स मूवमेंट यूज टू रेज इश्यूज। यस, दीज आर द वेरी इजी कंपेनिंग एंड प्रोटेस्टिंग मेथड्स हैं, और सॉलिडरिटी रेजिंग अवेयरनेस सब टाइप के मूवमेंट थे। अब इनके बारे में क्या करना है, हमने उनके बारे में लिख देना है, अबाउट द कंपेनिंग प्रोटेस्टिंग रेजिंग अवेयरनेस एंड सॉलिडरिटी प्रोग्राम्स। उसके बाद फिर क्या करते हैं, क्वेश्चन फिर भी सुन लें। इफ़ यू हैड टू ऑर्गेनाइज अ स्ट्रगल अगेंस्ट स्टीरियोटाइप्स अबाउट व्हाट वुमेन कैन और कैन नॉट डू, व्हाट मेथड वुड यू एम्प्लॉय फ्रॉम योर वन। सो क्या करता है, अब अगर आप क्या कर रहे हैं, स्टीरियोटाइप से अगेंस्ट आप मूवमेंट कर रहे हैं, तो महिलाओं को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए है, आप कौन सा मेथड इसमें से अप्लाई करेंगे, एंड यू हैव रीड अबाउट व्हाई
वुड यू चूज दिस पर्टिकुलर।